साथियों, आप सभी को नमस्कार और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप सभी को पता है कि भाई आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है। सेंटर की संख्या कंप्लीट हो चुकी है कि कितने सेंटर आपके रहने वाले हैं और एग्ज़ाम की तिथि भी लगभग लगभग कंप्लीट है। तो दोस्तों, अब आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं सभी बातों पर विश्लेषण करूंगा और सबसे मेन मुद्दा जो रहेगा आज का, खुफिया रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। ऐसी रणनीति मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आज, कि आप अगर इस टाइप से पढ़ लेंगे तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो भी एग्जाम बनाएगा आप उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये भी भाई न्यूज मिलती है कि कहां कहां से किस किस टाइप से क्वेश्चन उठाने को लिए जा सकते हैं, तो आप सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कुल सेंटर की संख्या जो है दोस्तों वो लगभग लगभग 1230 के आसपास बताई जा रही है। तो आप मान के चलिए कि 1200 प्लस आपके कुल सेंटर जो है चिन्हित हो चुके हैं। और एग्जाम डेट जो है दोस्तों, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई जुलाई एंड कोई कह रहा है कि 27-28 जुलाई को, और मेरे हिसाब से भाई जो उम्मीदें लग रही है, जो हमें जानकारी मिलती है, तो दोस्तों उसके अनुसार 27-28 भी हो सकती है, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में ज़्यादा चांसेज है। उसका सिर्फ एक रीजन और फंसा हुआ है साथियों, कि ये जो जुलाई है, 15 जुलाई से लेकर और 30 जुलाई तक मानसून ज़्यादा आता है। तो दोस्तों इसी को लेकर पेपर को जो है एक वीक और डिले करने की कोशिश है। तो आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों। अब आप अपने आप को देखिए कि भाई आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर आपको अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है साथियों, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आज आपको ऐसी रणनीति बता दूंगा कि अगर आप इस पे काम कर गए तो आप यकीन मानिए कि 1 महीने भी अगर आप इस पे काम कर गए तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। लेकिन आपको इस पे मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हम आते हैं अब मुद्दे की बात पर कि भाई क्या हमारी खुफिया रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन या खुफिया रणनीति और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है या देता हूँ अगर अच्छी लग रही है साथियों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और आरके स्टडी पॉइंट आपी का परिवार है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके पास मैं जो वीडियो बनाता हूँ सटीक रणनीति की कोशिश जो करता हूँ भाई सटीक जानकारी देने की, और वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों जानते हैं कि भाई रणनीति क्या है। तो रणनीति की बात ऐसी है कि भाई साथियों, जैसे मान लीजिए कि यूपी पुलिस में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देखिए कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपके प्रीवियस में 5 पेपर हुए हैं साथियों, 5 पेपर हुए हैं, आप उठा के चलिए 2018 से, 2018 से आप लेके चलिए यहाँ से आपके पेपर हुए थे। और 2018 से अगर आप पीछे जाएंगे तो लेवल बहुत, पैटर्न में बहुत चेंज था, बहुत आसान था, लेकिन वो तो अब आने से रहा। तो देखिए साथियों, 2018 से आप और 2024 का जो एग्ज़ाम आपका ये कैंसिल हुआ था, यहाँ तक आपको ये पेपर्स उठाने हैं। अभी समझना है आगे क्या करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जैसे हिंदी की बात करते हैं साथियों, तो आपको क्या करना है कि भाई ये कहानी रही है यूपी पुलिस में कि जब तक आपका जब जब पेपर कैंसिल हुआ है तो प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम उठाए गए हैं। तो साथियों आपको प्रीवियस ईयर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं 2018 से 2024 तक, लेकिन आपको जो एक स्ट्रेटेजी अलग जो तैयार करनी है अपनी, वो ये है कि हिंदी में क्वेश्चन आया पहला और उसमें ऑप्शन है 4, तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन उठेगा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा। तो आपको मान लीजिए पूछा है भाई रस के बारे में या अलंकार पूछा है, तो आपको चारों पॉइंट पता होने चाहिए, चारों ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए कि ये अलंकार इसका, ये इसका, ये इसका। तो साथियों ऐसे ही आपको रीजनिंग में देखना है कि भाई रीजनिंग में अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बन सकता है। ऐसे ही मैथ्स में आपको देखना है कि भाई अगर मैथ्स आप तैयार करते हैं
तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, मान लीजिए परसेंटेज से यहां से क्वेश्चन आया, चुनाव वाले क्वेश्चन आया चुनाव वाला, तो आप देख सकते हैं कि चुनाव से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ आपको ये रणनीति फॉलो करनी है साथियों, अलग पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जीएस में आपको सिर्फ और सिर्फ आप जीएस में फोकस करिए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं यूपी पुलिस में यूपी जीके के उनको तैयार करिए, करंट अफेयर सिर्फ आप जनवरी से और अब तक की पढ़ लीजिए और इंपोर्टेंट पढ़िए, ज्यादा के पीछे मत भागिए। और उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे और आसान क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और उसके बाद आपको साथियों कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको जितना आता है आप उसको अच्छे से बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, ताकि आप उसी में इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि आप कम समय में पूरा अच्छा स्कोर कर लें। तो साथियों ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना पढ़िए, इतना पढ़िए जो आपको आता है उसको इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि यहां से मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि भाई अगर आपको रीजनिंग मैथ्स और हिंदी में आपको दोस्तों आपको रीजनिंग मैथ्स और हिंदी में अगर आपको 15 मिनट में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करना है और सभी टाइप्स जैसे मान लीजिए रीजनिंग या डाइस हो गया या कोई सा भी चैप्टर एक्स वाई जेड, अगर आपको 15 मिनट में आपको कंप्लीट चैप्टर का सभी टाइप्स का रिवीजन करना है अच्छे से और इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और रीजनिंग मास्टर वीडियो, मैथ्स मास्टर वीडियो, हिंदी मास्टर वीडियो के नाम से सर्च करिए, आप अच्छे से रिवीजन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से आता है तो भाई आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप किसी को रिवीजन करना है कम समय में 2 से 2.5 घंटे में आप पूरी रीजनिंग का रिवीजन कर सकते हैं, स्पीड और बढ़ा लीजिए, हो सकता है आप 1.5 घंटे में पूरी रिवीजन कर लेंगे पूरी रीजनिंग का, चाहे हिंदी हो चाहे मैथ्स हो, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो साथियों आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका सपना और आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप दिल से मेहनत कर रहे होंगे और दिल से मेहनत करते रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और जैसे ही कोई और इसके अलावा कोई न्यूज आती है दोस्तों मैं आपको जरूर लेकर आऊंगा उस न्यूज को आपके लिए, बिल्कुल चाइल्ड में लेट हो जाऊंगा लेकिन बिल्कुल सटीक न्यूज आपके लिए लेकर आऊंगा। साथियों एग्जाम आप अगस्त का फर्स्ट वीक मान के चलिए और एग्जाम चाहे मान लीजिए दोस्तों अगर सपोज करिए एग्जाम अगर 10-15 अगस्त को भी हो गया तो क्या जा रहा है भाई, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्या आप एक हफ्ते में इतना पढ़ लेंगे, नहीं। तो आप ये समझ के चलिए कि एग्जाम हमारा 15 दिन बाद है, आप 15 दिन बाद का टारगेट बनाइए तभी आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और आप अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो भाई आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।